आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ नए तरीके से शकरकंदी का हलवा। सेलो एवरी मम्मी की रसोई हिंदी चैनल में आप लोग का स्वागत है। अब हम हलवा तो अलग अलग तरीके से बनाकर खाते हैं, लेकिन जब आप लोग एक बार हमारे तरीके से शकरकंदी का हलवा बनाकर खाएंगे तो सारा तरीका भूल जाएंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करें। शकरकंदी का हलवा, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम ले लेंगे शकरकंदी को, जिसको स्वीट पोटैटो भी बोलते हैं। तो हमने इसको उबाल लिया है। उबाल लेने के बाद आप लोगों को क्या करना है, सारे छिलके को हटा देना है। तो सिंपली आप लोगों को उबालने के प्रोसेस में क्या करना है, इसको धो लेना है। धोकर आप लोगों को कुकर में डालकर पानी डालकर उबाल लेना है, आसानी तरीके से उबल जाएगा। दोनों को हमने छील लिया है, सारे छिलके हटा दिए हैं। अब हम ले लेंगे एक एक कद्दूकस वाला। अब हम इसमें क्या करेंगे, ग्रेट कर लेंगे। आप लोग ऐसे भी हाथ से मैश कर सकते हैं, बट जब आप लोग हाथ से मैश करते हैं तो मतलब सारे गुटली गुटली से बीच में रह जाता है, तो फिर वो हलवा ढंग से बनकर नहीं तैयार हो पाता है। तो आप लोग को कद्दूकस में इसको ग्रेट कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने सबको कर लिया है। तो अब हम जाएंगे स्पेशल शकरकंदी का हलवा बनाने के प्रोसेस पे। तो शकरकंदी का हलवा बनाने के लिए गैस पर चढ़ा देंगे कढ़ाई और हम इसमें डाल देंगे घी। अब आप लोग चाहे तो इस हलवा को रिफाइन ऑयल में भी बना सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू कि जब भी आप लोग हलवा बनाएं, मिठाई बनाएं या कुछ भी मीठा रेसिपी बनाएं तो आप लोग घी में ही ज़्यादा प्रेफर करें। घी में बनाने से क्या होता है कि फ्लेवर अच्छा आता है। सारे शकरकंदी को डाल देंगे। अगर आप लोग को ज़्यादा घी पसंद नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे थोड़ा घी और थोड़ा आप लोग रिफाइन ऑयल में भी बना सकते हैं, अच्छा बन जाएगा। 2 से 3 मिनट तक हम इसको पका लेंगे, भून लेंगे अच्छी तरीके से। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप नारियल का बुरादा। सिंपली आप लोग को मार्केट में मिल जाएगा डेसिकेटेड कोकोनट। आप लोग चाहे तो मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। नारियल के बुरादे डालने से एकदम लगेगा मिठाई जैसे, बहुत ही टेस्टी लगेगा। क्योंकि नॉर्मली शकरकंदी का हलवा बनाकर खाएंगे तो इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा, तो उसमें कुछ सामान डालेंगे तभी तो अच्छा फ्लेवर आएगा ना। डाल देंगे, 2 मिनट तक पका लेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, 1/2 चम्मच घी को डाल देंगे। तो ये घी ना थोड़ा जम गया है, तो आप लोग को सिंपली इसको ऐसे भी डाल सकते हैं, आप लोग चाहते हैं इसको गैस पर गर्म करके भी डाल सकते हैं, बट ऐसे डालेंगे तो अपने आप ही पिघल ही तो जाएगा। तो आप लोग इसको महाशिवरात्रि पर भी बना सकते हैं या कोई भी पर्व पर बना सकते हैं, जब ऐसे ही खाने का मन करे तो ऐसे भी खा सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी को। तो हमने इसमें खड़ा चीनी ही डाल दिया, आप लोग चाहे तो डेस पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 कप हम इसमें डाल देंगे दूध को। आप लोग चाहे तो पानी भी डाल सकते हैं, बट मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि जब भी आप लोग हलवा बनाए, मिठाई बनाए तो दूध को ही प्रेफर करें और घी को प्रेफर करें तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसमें डाल देंगे हल्का सा फूड कलर को, आप लोग चाहे तो डालें अदरवाइज छोड़ सकते हैं, या आप लोग चाहे तो हल्का सा हल्दी पाउडर को भी डाल सकते हैं। मिला लेंगे सबको और हम क्या करेंगे, फाइनली 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को रेसिपी अच्छा लग रहा होगा। अब ऐसे तो शकरकंदी का हम चाट बनाकर खाते हैं, शकरकंदी ऐसे भी खाते हैं, लेकिन जब आप लोग एक बार इस तरीके से हलवा बनाकर खाएंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ बता रही हूँ कि आप लोग पुराने तरीके सारे भूल जाएंगे और बार बार शकरकंदी का हलवा बनाना खाना पसंद करेंगे। हल्का सा डाल देंगे इलायची को, अच्छा फ्लेवर आएगा डालने से। मिला लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें और अपना फीडबैक हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिला लेंगे सबका अच्छे तरीके से। 4 से 5 मिनट तक हम इसको फाइनली पका लेंगे। ऊपर से डाल देंगे काजू को, आप लोग चाहे तो डाले अदरवाइज छोड़ सकते हैं, या चाहे तो कोई और भी ड्राई फ्रूट्स आप लोग डाल सकते हैं। जब आप लोग इसको बनाएंगे तो अलग ही फ्लेवर आएगा। तो आप लोग एक बार तो कम से कम इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, तभी तो आप लोग को पता चलेगा ना टेस्ट। 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि पैन में बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा। तो बस आप लोग को यही तरीका फॉलो करना जिस तरीके से मैंने आप लोग को बताया है। तो अब हम करेंगे गैस को बंद और हम इसको कर लेंगे सर्व। तो आई होप कि आप लोग को रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, साथ में अपना फीडबैक हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, बनाइए खाएं एंजॉय करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।